कोरोना के खिलाफ वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति की आज होगी अहम बैठक। देश में रिकवरी रेट पहुंचा 70%, मृत्यु दर घटकर हुई 1.98%। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में किया एक आतंकी को ढेर, एक सुरक्षाकर्मी हुआ शहीद, तलाशी अभियान जारी। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन, कहा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी का साहसी और ओजस्वी नेतृत्व युवाओं के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का स्रोत। पूर्वी बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ हुई उग्र, जवाबी पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, 110 गिरफ्तार, प्रभावित क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च, प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा ये प्लेटफॉर्म। आज मनाया जा रहा है विश्व हाथी दिवस, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर किया हाथियों पर एक वीडियो साझा और कहा भारत में 60% जंगली एशियाई हाथी भारतीयों की जानवरों के प्रति सहिष्णुता और स्नेह के कारण। और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी, पूरा देश भक्ति और श्रद्धा के साथ मुरलीधर की आराधना में डूबा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आज बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों एवं टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ काम करेगी। ये समिति टीका विकसित होने के बाद उसके प्रबंधन, वितरण और कोल्ड चेन क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता देने के पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा था कि कोविड-19 के 2 संभावित टीकों के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 के संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण का मानवीय क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। और इस सब के बीच कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 16,39,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा होने के बाद आज इसे 70.38% पर दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.98% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश में 6,43,948 मामलों के साथ 27.64% सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। ये प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों के साथ साथ जाने माने करदाता भी इस आयोजन में शामिल होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार लागू किए हैं। कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी CBDT द्वारा कई पहल की गई हैं। अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कल के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण कल का कार्यक्रम होगा, खासकर अगर हम करदाताओं की बात करें तो? देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं।
पहला निहितार्थ ये है कि इस संकट काल में जो भी करदाता देश के विकास की यात्रा में ईमानदारी के साथ सहयोग कर रहे हैं उनका देश सम्मान करता है, और इसलिए ये संदेश सभी तक जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा संदेश यह है चंद्रशेखर जी कि पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना है कि भारत एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था है, और आगे जाते हुए जो भारत है वो और भी कर सुधारों के बड़े कदम उठाएगा, तो ये सिग्नल भी देना है। जैसा कि आपने कहा कि जो इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं कॉर्पोरेट्स के लिए उसको कम किया गया है, ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, जिस तरह से फेसलेस ट्रांजैक्शंस, फेसलेस लेन देन की बात है, फेसलेस स्क्रूटनी की बात है जिसको किसी बी डी टी ने इंश्योर किया है, तो उससे करदाताओं के मन में एक विश्वास का माहौल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ईमानदारी से अपना अपने हिस्से का कर विकास के कामों के लिए दे पाए, उसके लिए प्रोत्साहन देना, और जो ईमानदारी की व्यवस्था को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, उसको उसको उसका समर्थन करना सरकार की तरफ से ये मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ जो टैक्स इवेडर्स हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं समय पे, वाजिब टैक्स नहीं चुकाते हैं, उनको एक डिटरेंट यानी उनके लिए एक चेतावनी भी देना भी इसका एक बड़ा मकसद है जो कि कल के कार्यक्रम में स्पष्ट नजर आएगा। अजय, अगर इस प्लेटफॉर्म की हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे, इस प्लेटफॉर्म से आम लोगों को क्या कुछ फायदे होंगे? देखिए, एक तो जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं सीबीडीटी की तरफ से, उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं टैक्स करदाता के रूप में कौन सी सुविधाएं सरकार आप तक पहुंचा रही है। दूसरी बात यह कि अगर आप एक ईमानदार करदाता हैं तो वो एक पहचान आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप अपना वाजिब टैक्स चुकाएं और किसी भी चिंता से मुक्त रहें। आपको याद होगा कि एक नई व्यवस्था हम लेकर के आ रहे हैं देश में जिसमें आप किसी भी तरह का एग्जेम्पशन लिए बिना एक निश्चित टैक्स देकर के निश्चिंत होकर के अपना कारोबार कर सकते हैं, अपने इनकम को लेकर के आपको किसी भी तरह की आयकर विभाग से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो नई व्यवस्था है जिसमें आप एग्जेम्पशन बिल्कुल नहीं रहेंगे, छूट बिल्कुल नहीं रहेगी, एक तय दर पर किसी को टैक्स देना आसानी से संभव हो पाएगा, शायद उसकी तरफ भी प्रधानमंत्री लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन करदाताओं को ये लाभ मिलेगा कि जो पारदर्शिता है, जो ईमानदारी है, उसको जब बढ़ावा मिलेगा तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और जिस तरह से अभी 130 135 करोड़ में केवल 6 करोड़ लोग अपना टैक्स देते हैं, अगर ये टैक्स बेस बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था और देश में गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। अजय, दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहेंगे। पिछले 5-6 साल में हमने देखा कि देश के अंदर काफी कुछ सुधार किए गए और उसका सीधा सा सीधा फर्क ये पड़ा कि काफी लोग कर देने लगे, उसका फायदा देश को भी होता है, देश की विकास योजनाओं को भी होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अभी भी कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कर चुकाने से छुपते हैं, बचते हैं? देखिए, अभी जैसा हमने कहा कि 6 करोड़ से आसपास जो लोग हैं वो टैक्स अदा करते हैं, लेकिन जो टैक्स नहीं देता है उसको ये समझना बहुत ही आवश्यक है चंद्रशेखर जी कि टैक्स न देना उनके अपने नुकसान के लिए है। अगर आप टैक्स पे अदा नहीं करते हैं तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड जो इकोनॉमी बोला जाता है उसका हिस्सा नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ITR फॉर्म नहीं है तो आप वित्तीय सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आप टैक्सेशन जमा नहीं कर सकते तो आपको कहीं से एडवांस या लोन मिलने में काफी दिक्कत होगी। अगर आप टैक्स समय पे नहीं देते हैं या फिर अगर आप बीच में कोई साल में टैक्स रिटर्न अदा नहीं कर पाते हैं तो आपकी सिबिल या फिर जो दूसरे स्थितियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, तो आपका विकास रुक जाता है। इसी तरह से और एक व्यक्ति के तौर पर, एक संस्था के तौर पर वाजिब टैक्स चुकाना देश के विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है। तो जिस तरह से हम अधिकारों की बात करते हैं, किसी भी देश से हम जब लेने की बात करते हैं जी, तो कर्तव्यों के तौर पर हम क्या कुछ दे सकते हैं और वो सिस्टम या वो व्यवस्था कितनी आपके लिए सुचारू है, सहज है, पारदर्शी है, सरल है, ये काफी मुश्किल हो जाता है। ईमानदार करदाता परेशान न हो और जो ईमानदार नहीं है या जो बेईमानी से कर चोरी कर रहा है उसको उसकी सजा मिल पाए, ये किसी भी व्यवस्था में दंड की व्यवस्था हो, ये किसी व्यवस्था के मूल मानक होते हैं। और इसीलिए जो विश्वास बढ़ाना जो है, विश्वास बहाली, उसके एक बड़े कदम के रूप में जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मान की शुरुआत की जाएगी, उसमें आप देख पाएंगे कि कौन से करदाता ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, कौन सबसे ज्यादा ईमानदारी से टैक्स देता है, कौन सी कंपनी अच्छा काम करती है, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्यूचर ग्राफ है वो उसके लिए काफी सकारात्मक होगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अजय इन सब जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया। नेताजी भारत की स्वतंत्रता और अंग्रेजों के अभिलेखागार नाम की इस पुस्तक को नेताजी के सहयोगी रहे डॉक्टर कल्याण कुमार डे ने लिखा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी का साहसी और ओजस्वी नेतृत्व युवाओं के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने कहा कि नेताजी का दृढ़ विश्वास था कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, धर्म, जाति, क्षेत्रीय और भाषाई पहचान बाद में आती है। On this occasion, I call upon the youth to take inspiration from the lives of Sri Subhash Chandra Bose and strive towards building a new India, a strong, stable, prosperous and egalitarian India. आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर विश्व भर में युवाओं को पहचान दिलाने और उनके कार्यों की सराहना के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की भागीदारी के तरीकों को सामने लाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस साल 2000 में मनाया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत एक युवा देश है। हमारे युवाओं ने विश्व में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवाया है। समय की मांग है कि आज देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। नया भारत आपके लिए इनोवेशन और उद्यमिता के नए द्वार खोल रहा है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया। ऑपरेशन के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना कामराजीपुरा में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया जबकि सेना का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को 92 बेस सेना अस्पताल में ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बेंगलुरु ईस्ट के डीजे हल्ली में आगजनी और पथराव पर उतारू हिंसक भीड़ पर पुलिस को मंगलवार को गोली चलानी पड़ी। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट के बाद डीजे हल्ली कवल बड़ संडा में हिंसा भड़क गई। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इलाके के स्थानीय युवा इकट्ठा हो गए और विधायक के घर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को जला दिया और घर में भी आग लगाने की कोशिश की। हिंसा आसपास के इलाकों में फैल गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए हैं। इस सबके बीच कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने स्थिति की समीक्षा की और पुलिस को इलाके में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाने का आदेश दिया। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कांग्रेस विधायक के भतीजे आरोपी नवीन सहित हिंसा में शामिल 110 शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूलमपार गांव के जंगल में हुई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना के बाद डीआरजी और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का संयुक्त दल जब फूलमपार गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। बाद में जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली
तब वहां से चार नक्सलियों के शव, एक 303 राइफल, देसी बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक एवं भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्मदिन को हर साल राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी महोत्सव पर ISRS के अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश देसाई द्वारा इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के वास्तुकार डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को विशेष संबोधन और मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। ISRS वेबसाइट पर आज ऑनलाइन आयोजित हो रहे वेबिनार में देश भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और छात्र बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने वेबिनार में कहा कि डॉक्टर साराभाई ने बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, जिसे और बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भारतीय पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम को दुनिया में सबसे सफल सामाजिक अनुप्रयोगों में से एक माना जाता है। By 1960, here was a visionary in India who found that this vantage point of space, which for the first time has been now accessed by the humankind, has very significant implication in the context of his own country, that is India. Today, we have visible region satellites, microwave, hyperspectral systems, cartographic applications, resource applications. So a variety, these are all part and parcel of the India's remote sensing capability. और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भारत के महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जन्म शताब्दी पर नमन। उन्होंने कई संस्थानों का निर्माण किया, कई वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, विज्ञान में उनके विशिष्ट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जो बिडेन ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बिडेन ने हैरिस को एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक करार दिया। कमला हैरिस ने ट्वीट कर बिडेन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की हैसियत से उनके साथ शामिल होने पर गर्व महसूस करती हूं और उनको अपना कमांडर इन चीफ बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूंगी। 55 साल की कमला हैरिस दिसंबर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस से बाहर हो गई थी। कमला हैरिस दो बार अटॉर्नी जनरल रही हैं और फिर 2017 में वो सांसद बनी। गौरतलब है कि जो बिडेन 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अब महज 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। हम भारत अमेरिका संबंधों का पूरा जायजा ले रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में अगले बड़े मुकाम पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली और Washington DC से 4 विशेषज्ञ जुड़ेंगे। एक सटीक, संतुलित और गहरे विश्लेषण के लिए आज रात 8 बजे हमारे साथ आप जुड़िएगा, सिर्फ DD India पर। तो आज रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ DD India पर। इसमें भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात होगी। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। सेविया ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में सेविया ने वोल्व्स को 1-0 से मात दी। वोल्व्स के पास 13वें मिनट में गोल करने का मौका था, लेकिन राउल जिमिनेज की पेनल्टी को बचा लिया गया। इसके बाद टीम को मौके बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। एक्स्ट्रा टाइम में वो चूक कर गए और लुकास ओकंपोस के हेडर से किए गए गोल ने मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले मैच सेविया के नाम कर दिया।
वोल्व्स प्रीमियर लीग में सातवें स्थान पर रही है, ऐसे में वो अगले सीजन में यूरोपियन प्रतियोगिता में नजर नहीं आएंगे। सेविया यूरोपा लीग को 5 बार जीत चुकी है और सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 19 मैच से अविजित है। अब सेमीफाइनल में सेविया का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। शख्तर डोनेस्क ने एफसी बासेल को 4-1 से करारी मात देकर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यूक्रेन की टीम डोनेस्क ने जूनियर मोराएस के गोल की मदद से मैच में जल्द ही बढ़त बना ली। कुछ ही देर में टाइसन ने बढ़त को दुगना कर दिया। एलन पैट्रिक ने पेनल्टी स्पॉट से टीम के लिए 3रा गोल किया। वहीं डोडो ने 4था गोल कर टीम की बड़ी जीत तय की। अब सेमीफाइनल में शख्तर डोनेस्क का सामना इंटर मिलान से होगा। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हाथियों की मदद के लिए विभिन्न संरक्षण नीतियों को लेकर दुनिया भर में व्यापक तौर पर कार्यक्रम होते हैं। एशियाई हाथी पौराणिक काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये विशालकाय जीव भारत के भौगोलिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमारी राष्ट्रीय विरासत से जुड़े हाथियों पर एक वीडियो साझा किया और लिखा कि भारत में हाथी रहते हैं और इस इंडिया इज सपोर्टिंग मोर देन 60% of global Asian elephant population. 30 elephant reserves have been identified by our states. India has also taken several initiatives and set standards for conservation of Asian elephants. और इस अच्छी खबर के बाद एक और अच्छी खबर। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में शीला नाम की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही बंगाल सफारी पार्क में बाघों की कुल संख्या 7 हो गई है। बंगाल सफारी के निर्देशक धर्मदेव राय ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि पहली बार शीला ने बंगाल सफारी पार्क में ही 11 मई 2018 को 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 6 महीने के अंदर ही 1 शावक की मौत हो गई थी। आज देशभर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देशभर के सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मथुरा और वृंदावन के मंदिर में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। भगवान द्वारकाधीश के जन्मोत्सव के त्योहार पर उनकी कर्मस्थली द्वारका में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। Thank you.
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, निष्काम कर्म के अपने संदेश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। ये पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।